एफएमसीजी कंपनियों और पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच पिछले कुछ वक्त से कलह जारी है। मॉडर्न ट्रेड के दिग्गजों को मार्जिन और प्राइसिंग में ज्यादा तरजीह देने को लेकर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स एफएमसीजी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बनाने वाली कंपनियां पहले से ही दोहरी चुनौती से जूझ रही हैं। एक तो कच्चे माल की महंगाई पिछले कुछ वक्त से लगातार परेशान कर रही है, मजबूरी में कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब दाम बढ़े तो क्या शहर और गांव के लोगों ने रोजाना की जरूरतों के सामान खरीदने कम कर दिए? पहले से कम कमाई और बेवक्त की बारिश के पहले से एक मुश्किल दौर से गुजर रहे ग्रामीण भारत ने तो जैसे खपत से हाथ ही खींच लिए। बस यही एक ऐसा बड़ा सिरदर्द है जो एफएमसीजी कंपनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। यानी कंपनियां कम बिक्री के दौर में पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पंगा लेकर एक और मोर्चा नहीं खोलना चाहती हैं। कंपनियों का डर वाजिब भी है, क्योंकि देश में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एफएमसीजी मार्केट का अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में है। यूं समझ लीजिए कि इस पूरे बाजार का करीब 90% हिस्सा इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ है। यही नहीं, पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स देश के कोने कोने तक अपनी मौजूदगी रखते हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के नेशनल कमेटी मेंबर राजीव अग्रवाल बताते हैं, करीब 7 लाख कारोबारी इन कंपनियों की गैर बराबरी की वजह से कारोबार से बाहर होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में इनकी नाराजगी एफएमसीजी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड चैनल्स चूंकि एफएमसीजी कंपनियों को बल्क यानी बड़े ऑर्डर देती हैं, ऐसे में कंपनियां इन्हें ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुकाबले कम दाम में माल देती हैं। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मार्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी, वॉलमार्ट और उड़ान जैसे नए चैनल्स को ज्यादा फायदा होता है और दुकानदार इन्हीं से माल खरीदने को तवज्जो देते हैं। दूसरी ओर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को एम्प्लॉयज की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन जैसे मदों पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स धंधे से बाहर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बस इसी बात पर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इस गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एक जैसे मार्जिन और कारोबारी नियमों की मांग कर रहे हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस बाबत HUL, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, मैरिको, गोदरेज और टाटा कंज्यूमर्स जैसी करीब 22 एफएमसीजी कंपनियों को एक चिट्ठी भी भेज दी है। अपने लेटर में इन्होंने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वो 1 जनवरी से सप्लाई को रोक देंगे। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र अग्रवाल कहते हैं, कोविड के पहले के स्तर से हमारा कामकाज 50-60% तक कम है। उस पर कंपनियां हमारे जैसे पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार कर रही हैं। तो आखिर क्या है एफएमसीजी कंपनियों की रणनीति? ये कंपनियां दरअसल नए और पुराने दोनों ही तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स को नाराज नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में तरीका ये निकाला जा रहा है कि ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड के लिए पैकेजिंग और प्राइसिंग के लिहाज से अलग उत्पाद उतारे जाएंगे। दूसरी ओर पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन में भी सुधार करने के लिए ज्यादातर कंपनियां राजी हो गई हैं। तो क्या टल गया संकट? AICPDF के नेशनल कमेटी मेंबर राजीव अग्रवाल कहते हैं, हमने कंपनियों को भेजी चिट्ठी में 15 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा था। अभी तक कंपनियों के हमारे मार्जिन बढ़ाने या प्रोडक्ट पैकेजिंग अलग अलग करने जैसे फैसलों की कोई जानकारी नहीं आई है। इस बारे में आगे की रणनीति के लिए AICPDF 19 दिसंबर को मीटिंग करेगा, यानी इस मामले पर धुंध साफ होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।